क्या आप हमस के बारे में जानते हैं? क्या आप हमस के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं? नहीं? तो अपने इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। चलिए देखते हैं। हमस को सुपर न्यूट्रिशियस फूड कहा जाता है बिकॉज इट इज पैक्ड विद प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। 100 ग्राम हमस को अगर हम देखें तो इसमें 166 कैलोरीज होती है, फैट 10 ग्राम होता है यानी कि 15% ऑफ डेली वैल्यू, कोलेस्ट्रॉल 0% होता है, सोडियम 15% ऑफ डेली वैल्यू होता है, पोटेशियम 6% होता है, कार्बोहाइड्रेट 4% होता है, डाइट्री फाइबर 24% होता है, प्रोटीन 16% होता है, विटामिन B6 10% होता है, आयरन 13% होता है, मैग्नीशियम 17% पाया जाता है। ये सारी चीज़ें 2000 कैलोरी डाइट के लिए हैं। अगर आपकी कैलोरी डाइट कम है या ज़्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। सो हमस चार मेन इंग्रेडिएंट से बनता है। सबसे पहला चिकपीस यानी कि छोले, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। दूसरा सेसमी सीड्स, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। तीसरा ऑलिव ऑयल, विच इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। एंड चौथा गार्लिक, विच इज़ वेरी गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस। सो हमस के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इट इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स, मसल्स, स्किन एंड ब्लड हेल्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें सिसमी सीड्स होते हैं विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो कि बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये कि हमस एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ऑलिव ऑयल होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये कि इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमें हार्ट डिजीजेस से बचाता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये कि इट हेल्प फाइट्स अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन। इसमें जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ऑलिव ऑयल में एक एंटी ऑक्सीडेंट और ऑलियोपैंथर होता है जिसमें एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। हमस पे जो ताहिनी होता है वो हमें हमारी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन जैसे कि IL-6 और CRP से हमें बचाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कॉल्ड फाइटिक एसिड, सेपोनिंस एंड प्रोटीज इनहिबिटर्स, जो कि कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये कि ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स नहीं होते जिसके कारण वेट बढ़ता है। इनफैक्ट इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसके कारण वेट कम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये कि ये हमें एनीमिया होने से बचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोले और ताहिनी दोनों में आयरन होता है जो कि एनीमिया होने से बचाते हैं। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि अगर 200 ग्राम छोले को हम 3 हफ्ते तक अपनी डाइट में कंटिन्यूस इंक्लूड करें तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बाइफिडो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज को रिमूव कर सकते हैं। तो हमस ना ही सिर्फ न्यूट्रिशियस है बल्कि टेस्टी भी है। अब ये है हमस को हम कब, कैसे और कितना खाएं। तो जनरली ब्रेकफास्ट में हम 2 टेबलस्पून हमस ले सकते हैं, लंच में हम 4 टेबलस्पून तक खा सकते हैं और डिनर में भी हम इसे ले सकते हैं। बट बात ये आती है कि अगर इसमें दही है तो हम रात में इसे अवॉइड कर सकते हैं और अगर दही नहीं है तो हम इसे रात में भी खा सकते हैं। जब मुझे कोविड हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने प्रोटीन रिच डाइट के लिए रिकमेंड किया था, बट उस समय मैंने अवॉइड कर दिया था। उसके बाद जब मैं कोविड से रिकवर हुई तो मैंने हमस को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड किया एंड बिलीव मी 5वें दिन से मुझे अपने बॉडी में फर्क दिखने लगा। सो हमस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, इट इज़ वेरी टेस्टी। उसको अपने डेली डाइट में इंक्लूड करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, बेल आइकन दबाएं।